चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। गरीबों के राशन पर डाका, नवागत एसडीएम ने मारा छापा। कई वर्षों से राशन की कालेबाजारी का कारोबार फल फूलते रहा है। कई शिकायत होने के बावजूद भी कार्रवाई अधिकारियों के द्वारा नहीं किया जाना कई सवालों उत्पन्न करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन अब लांजी के नवागत एसडीएम प्रदीप कौरव के द्वारा बड़ी कार्रवाई की गई है, जहां पर वाहन जब्ती के साथ में ही 93 क्विंटल शासकीय चावल को बरामद किया है। साथ ही पुलिस की अभिरक्षा में वाहन को खड़ा कर दिया गया है। साथ ही आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाने की बात कही गई है। आपको बता दें कि एसडीएम प्रदीप कौरव के द्वारा लगातार कार्रवाई पर कार्रवाई की जा रही है। इसी तारत में जब एक वाहन संदेह स्थिति में दिखाई पड़ा तो जांच में लिया गया, जिसमें चावल सहकारी राशन का पाया जाने वाला फोर्टिफाइड चावल पाया गया, जिसे मौके पर ही पंचनामा की कार्रवाई करते हुए आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है। लांजी से पवन कश्यप। तो आज एक व्यापारी के चावल के ट्रक पे जो कार्रवाई की गई है वो किस आधार पे की गई और क्या कार्रवाई की गई है सर? आज क्षेत्र भ्रमण के दौरान विभिन्न स्थलों से घूम कर आने के बाद लांजी जब वापस आ रहे थे तो शंका के आधार पर एक व्यापारी सरिता ट्रेडर्स के सामने एक 407 वाहन में कुछ कट्टियां लदी होने पर वहां पर गाड़ी को रोका गया और उसका परीक्षण कराया गया। परीक्षण में प्रथम दृष्टया ये पाया गया कि उसमें चावल है। चावल को जब बोरी को खुलाया गया तो इसमें ऐसा अनुमान लगाया गया कि ये सरकारी जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत चावल वितरित होता है, जिसमें फोर्टिफाइड चावल मिक्स रहता है, उसको जब देखा गया तो उसमें कुछ अंश उसके निकले। पर अब इस बात की सत्यता के लिए नागरिक आपूर्ति निगम के व्यक्ति को बुलाया गया, उनसे उसका परीक्षण कराया गया। परीक्षण में भी उनके द्वारा 3-4 बोलियों को अलग अलग स्तरों पर खोला गया ऊपर नीचे से, और उसमें भी ये पाया गया कि इसके अंश सार्वजनिक वितरण प्रणाली में जो चावल वितरित होता है उसके अंश हैं। उसके आधार पर सरिता ट्रेडर्स के व्यापारी के जो 407 का माल था उसको जब्त किया गया। जब्त करने के बाद थाना परिसर में उसको कराया गया और उसके बाद अब आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत उसमें कार्रवाई की गई। सर, ये जैसे कि और कुछ व्यापारी है जो सोसाइटी का चावल लेते हैं सर, खरीदी करते हैं, तो उन पर भी क्या आगे कार्रवाई होगी सर? अब धीरे से इस पर सतत निगरानी रखी जाएगी और अगर किसी प्रकार का मामला संज्ञान में आता है तो तत्काल उस पर एक्शन लिया जाएगा। आप देख रहे हैं बालाघाट खबर।